और कौन से क्लास में पढ़ती हो? सिस्टर का ड्यूटी है बर्तन साफ करना और झाड़ू करना। मम्मी को रास्ते में गया मिल गई, सॉरी गया मिल गई, गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत ठंडी है यार, मुझे तो उठने का आज मन ही नहीं कर रहा था और मम्मी थी भी नहीं, तो आज मैं बहुत लेट से उठी हूँ और नाश्ता भी मुझे बनाना है, खाना भी मुझे बनाना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था मेरी सिस्टर को कुछ नहीं आता है बनाने, आता है इसको सब बनाने बट नाटक करती है। तो मैं आज बनाऊंगी चुकंदर का पराठा और चुकंदर का जूस भी, जो कि मैं चुलबुल को भी खिलाऊंगी। आपको पता ही है कि मैं अभी ज्यादा तेल मसाला नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो आज इसको भी खिलाते हैं चुकंदर का पराठा, तो आज मुझे ही बनाना है। तो मैं अभी किचन में जाऊंगी और मैं बनाऊंगी चुकंदर का जूस और पराठा, वो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगता है। ऐसा नहीं है कि चुकंदर का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को मैं रेसिपी तो नहीं बता सकती क्योंकि मेरा जो किचन है वो थोड़ा अंधेरा है, तो मैं जाऊंगी ना फिर से वहां पटना, तो मैं आपको रेसिपी भी बताऊंगी। अभी मैं बनाऊंगी और बहुत ज्यादा लेट भी हो गया है, तो हम दोनों को भूख लगा है, तो बस जल्दी से मैं उठती हूँ और फटाफट चुकंदर का पराठा और उसका जूस बनाती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कहीं चलोगे आज बाहर, बोल रही है नहीं आज नहीं जाएंगे, उसका भी मन नहीं है। एक्चुअली मौसम थोड़ा ठंडा कर रहा है ना, तो सबका तबीयत सही नहीं लग रहा। कल तो मैं गुरुद्वारा से आई और इतना ज्यादा तेज सर में दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊं, मैं कुछ भी नहीं ब्लॉगिंग कर पाई। और चुलबुल को लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा पसंद आया था, फिर मेरी आंटी भी खाई तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। मेरी दो कजन भी है, दो एक भाई है मेरा और दो कजन सिस्टर है, एक का नाम खुशी है एक का नाम अंजलि है, लेकिन सबका मैं निकनेम बताती हूँ। मेरा नाम बुलबुल, मेरी सिस्टर जो अपनी सिस्टर है उसका नाम है चुलबुल, और मेरी आंटी की जो बेटी है उसका नाम है गुल्लू, और एक छोटी है उसका नाम खुशी, वो बहुत क्यूट है, वो अभी स्कूल गई होगी। अगर वो आएगी तो मैं शाम तक आप लोग को उससे भी मिलवाऊंगी। मम्मी तो है नहीं, शायद आज आ जाएगी, रात हो जाएगा आते क्योंकि वो गई है रांची और अभी निकली भी नहीं है वहां से, लेकिन आज वो निकलेगी तो रात तक पहुंच जाएगी। तो अभी बस ज्यादा बकवास नहीं करते हुए, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, एक्चुअली बज रहे हैं 10:10, तो मैं नहाकर जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, हम और चुलबुल को नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद मैं बनाऊंगी आज मशरूम का सब्जी, क्योंकि इसको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो आज तो मुझे ही खाना बनाना है। मम्मी तो है नहीं कि आराम मिलेगा और ये खाना बनाती नहीं है, इसको ऐसा लगता है कि मैं खाना बनाऊंगी तो खराब बनेगा, लेकिन कभी कभी बनाती है तो टेस्टी भी बनता है। और इसके हाथ का मैगी तो इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि मैं बता नहीं सकती। तो चलो जल्दी उठती हूँ, चलते हैं हम लोग किचन में पराठा बनाने। मेरी सिस्टर का ड्यूटी है बर्तन साफ करना और झाड़ू करना। दिखा दो इधर, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। देखिए तो ये एकदम साफ सफाई से काम वाली बाई की तरह बर्तन धो रही है। इसको व्हाइट कर दोगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक है। तुम्हारा तो काम है ना ब्लैक बर्तन को व्हाइट करना। नहीं, और मेरा काम है नाश्ता बनाना। अभी ये झाड़ू देगी और पोछा देना है कि नहीं आज? हाँ। लेकिन पता है आपको, ये मम्मी का बहुत ज्यादा हेल्प करती है, मैं तो आती हूँ तो सिर्फ आराम करती हूँ। मम्मी नहीं है तो आज मैं खाना भी बनाऊंगी, लेकिन ऐसे ये बहुत काम करती है। बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, इसी का काम है, और मेरा काम है सिर्फ ओनली खाना बनाना। चुकंदर पराठा बनाने के लिए मैं इसको छील रही हूँ, फिर इसको कद्दूकस करूंगी, उसके बाद बनेगा पराठा प्लस जूस। ये जो बीटरूट है ना, वो बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद है, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी होती है
उसके लिए तो बहुत अच्छा है। इससे ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा। मेरे पापा का ये फेवरेट है, मतलब वो पहले हमेशा ही पिया किया करते थे। और इसमें अगर इसमें ना मेरी मम्मी ना पालक शाद भी मिलाती है, बट ना मैं कल पालक ले रही थी तो वो ना एक चौक है यहाँ पे, वहां पे ना काफी ज्यादा स्टैंडर्ड जगह है तो वहां पे हर चीज महंगा देता है। तो मैं ऐसे पालक उठाई तो बोला कि कितना बोला था चुलबुल? 40 रुपए केजी। हाँ 40 रुपया केजी। और ये बोली हम मैं उठा ली कि चलो थोड़ा सा ले लेती हूँ। बोली ए रखो, सब जगह 20 रुपए किलो, 40 रुपया किलो दे रहा है, तो ये रखवा दी। तो वही है कि आज बनेगा सिर्फ चुकंदर का, और थोड़ा सा मैं एक टमाटर डाल दूंगी, जूस बनेगा इसलिए। और एक छोटा सा मुझे गाजर भी दिखा, बाकी सारा गाजर तुम लोग खा गई है सैलेड बना के, तो एक गाजर मिला है तो मैं वो भी डाल दूंगी इसमें। जितना मतलब जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है वो आप आराम से डाल सकते हैं। ये काफी ज्यादा हेल्दी भी होता है और इसके पराठा भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है। ऐसा नहीं है कि चुकंदर है तो खराब लगेगा, बहुत अच्छा बनता है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको छील कर कद्दूकस कर लूंगी। इसमें कलर डाला रहता है क्या? देखो ना पिंक पिंक कलर गिर रहा है, शायद उसका नेचुरल कलर है। टमाटर छोटू सुगा गए, चुकंदर को हम लोग डाल देंगे कुकर में। बाप रे देखो कितना रेड लग रहा है कि कलर डाल दिया है। और टमाटर आप चाहे तो डाले, ना ही भी डाल सकते हैं, इसमें कुछ भी पालक भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी क्योंकि हम लोग को जूस भी बनाना है। और एक चम्मच हम लोग डाल देंगे नमक, और इसको हम लोग सीटी लगवाएंगे। कुकर का है यहाँ है, मैं रहती नहीं हूँ ना यहाँ ज्यादा, इसलिए पता नहीं रहता है। बस हम लोग इसको 2-3 सीटी लगवा देंगे क्योंकि कद्दूकस किया हुआ है तो सीजने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग 4 सीटी आने तक वेट करेंगे, फिर इसका जो रस रहेगा उसको छन्ना से छान लेंगे और वो जो मटेरियल बनेगा उसको आटा के साथ सान के जमाइन मंगरेला और नमक डाल के उसका बनाएंगे पराठा। तो अभी जब तक सीटी होता है तो तब तक मैं हम दोनों नहा लेते हैं। तो ये देखिए जूस निकल गया है हम लोग का, और उसी का जो मटेरियल है आटा डाल के उसमें देखिए चुकंदर और जमाइन अजवाइन मंगरेला नमक, और मैंने छोटा सा प्याज भी डाल दिया है, एक लहसुन की कली डाली हूँ और एक मिर्च डाली हूँ हरी मिर्च। तो बस इसको करना क्या है कि हम लोग इसको अच्छे से आटा सानेंगे, और इसमें अब पानी नहीं डाले देखिए। ये जो जूस है अगर पानी डालना हो, कितना सुंदर लग रहा है ना, लग रहा खांसी का दवा है। तो इसको थोड़ा थोड़ा लेके इसी से सान लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग आटा को गूथ लेंगे। उसके बाद अगर तेल में बनाना चाहते तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी घी में। तो इस तरीके से आटा मैं जल्दी जल्दी सान लेती हूँ। थोड़ा सा आटा चिपचिपा भी नहीं बनाना है और टाइट भी नहीं बनाना है, नॉर्मल आटा गूंथ के सूखे आटे के साथ तो मिला के उसको बेल के तवा पे दोनों तरफ सिझा के घी लगा के रेडी हो जाएगा टेस्टी पराठा। तो काफी ज्यादा लेट भी हो गया है, मैं भी नहा ली हूँ और चिल्ड्रन भी नहा ली है, और हम लोग नाश्ते का कर रहे हैं वेट। मम्मी बोली है, मम्मी का कॉल आया है, मम्मी रांची से निकल चुकी है और वो शाम तक या रात तक आ जाएगी। मम्मी का फेवरेट मैं बना रही हूँ मशरूम मटर, वो आएगी तो उसके लिए मैं खाना बना के रखूंगी। तो अभी मैं जल्दी से पराठे रेडी कर लेती हूँ। बन रहा है चुकंदर पराठा, और जल्दी जल्दी के कारण क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो चुका है तो मैं एक तवा भी लगाई हुई हूँ और एक कढ़ाई भी लगाई हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम लोग का पराठा रेडी हो जाए, क्योंकि हम दोनों को बहुत तेज भूख लगा हुआ है, पेट में चूहे कूद रहे हैं।
तो बस मैं पराठा बना के जल्दी से इसको, मैं हरी वाली चटनी लाई हूँ और शोट की चटनी जो मैं हमेशा वीडियो में देखते होंगे आप लोग, तो उसी के साथ हम इसको एंजॉय करेंगे। और चिल्ड्रन बिना चाय के रहती नहीं है तो वो चाय भी बनाएगी, तो जल्दी जल्दी पराठे को शेक लेते हैं ताकि काफी ज्यादा भूख भी लगी है और बहुत ज्यादा लेट हो गया। यार मम्मी रहने से कितना फायदा होता है ना, आराम से टाइम से उठा के नाश्ता रेडी और हम लोग बस नाश्ते को एंजॉय करते हैं। अभी देखो अकेले में कितना लेट हो गया, और घर पे मुझे अभी आदत नहीं है ना, तो बहुत कम खाना बनाती हूँ इसलिए और भी ज्यादा लेट हो गया। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं। ये मेरे कुछ पराठे रेडी हो गए, बस इतना और बनाना है। ये बन रहा है चुलबुल का चाय, लगभग रेडी हो गया है। ये गैस पे हाथ रखी हुई है कि कब ये खोले और कब मैं गैस बंद करूं। और ये हो गया है किचन का हाल, जो मम्मी आएगी तो बोलेगी पता नहीं लोग क्या की है। और चाय बन गया है और ये हम लोग का पराठे भी रेडी है, बस खाने की तैयारी हो रही है। देखो चुलबुल का चाय भी खोल गया और गैस भी ऑफ हो गया, तो अब जल्दी से हम लोग अपना प्लेट लगा लेते हैं। तो ये अपना चाय को ऐसे छान ली है, चलो चलो जल्दी से अब खाते हैं। तो हम लोग का खाना हो गया है रेडी। ये है चुलबुल का प्लेट जिसमें पराठे, चटनी और ये थोड़ा सा जूस क्योंकि उसको नहीं पसंद है, और ये इसका चाय, चाय में डुबो के खाती है ये। और ये रहा मेरा, तो ये मेरे पराठे हैं, चटनी है, और मैं ली हूँ बड़े वाले गिलास से। और ये देखिए कितना थोड़ा सा लिया, ये सब खाया करो तुम, ठीक है। ये पता नहीं इस कैसे इंसान, इसको कुछ ज्यादा पसंद ही नहीं है। और ये मैं मशरूम कट करके रख ही रही थी, जल्दी से नाश्ता करके अभी मुझे खाना भी बनाना है। और ये चुलबुल पानी पीते हुए, खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, बोल रही है वीडियोस में मत लो मुझे। तो चलिए मैं भी अब नाश्ता कर लेती हूँ। देखो खा के कैसा लग रहा है। अच्छा बना है। जो तुम्हारे चाय में थोड़ा डुबो के देखे, मेरा चटनी ठीक है। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ मशरूम मटर, जो मेरे घर में सबको बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखिए कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है ना देखने में। एक्चुअली मेरे हाथ का मशरूम का सब्जी सबको बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस मटर थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर हम लोग इसमें डालेंगे मशरूम। यार मशरूम का यही है, गल के एकदम थोड़ा सा हो जाएगा, जब कट करोगे तो लगेगा कि ढेर सारा मशरूम है, और उसके बाद फिर इसको सिकुड़ जाता है आपस में। देखिए मेरी मम्मी भी आ रही है, उनको काफी ज्यादा पसंद है मशरूम मटर, तो आज मैं इसीलिए बना रही हूँ मशरूम और मटर। चुलबुल रोटी खाओगी या चावल? अरे यार लो तुम्हारा शक्ल नहीं दिखा रहे, अब बता दो रोटी खाओगी या चावल, बोल तो दो। रोटी। ठीक है इसका शक्ल नहीं दिखाते हुए, रोटी खाओगे? चावल खाओगे? नहीं तुम जो बोलो रोटी। चावल नहीं अच्छा, ठीक है रोटी बना देते हैं। अगर थोड़ा सा चावल चढ़ाना होगा तो थोड़ा सा चावल भी चढ़ा देंगे। तो डिसाइड हुआ है कि हम लोग रोटी चावल दोनों खाएंगे। और ये लगा हुआ है सीडी रूम में है, क्योंकि उस बॉक्स में रखा है स्वेटर, तो इसको निकालने के लिए सीडी की जरूरत पड़ती है। तो आज सारा स्वेटर निकालूंगी ना, तो अभी मैं इससे अपना भी स्वेटर निकलवाऊंगी। बस मशरूम बन ही चुका है, तो ये बस रेडी ही है, बस इसमें ग्रेवी लगाना है और रोटी चावल दोनों बना देती हूँ। थोड़ा सा चावल बना दूंगी और बाकी रोटी बना दूंगी। मेरी सबसे क्यूट सिस्टर और सबसे छोटी सिस्टर, अपना नाम बता दो। मेरा नाम खुश
और कौन से क्लास में पढ़ती हो? टू। और तुम्हारा दांत कहाँ चला गया? ये बहुत ही क्यूट है, मेरे घर की सबसे छोटी बेबी है। सबसे छोटी सी क्यूट बेबी है। और इधर चल रहा है रील्स का प्रैक्टिस, क्योंकि इसको आज बनाना है रील्स। और ये कर, तुम भी रील्स बनाओगी? कौन से सॉन्ग पे बनाना है तुमको रील्स? दीदी गाना बजा रही है। कौन सा दीदी गाना बना रही है, बजा रही है? और अभी स्कूल से आई हो और थकी नहीं हो? क्यों? अरे 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 अरे, ये तो अभी से ही रील्स बनाना है। इसको बहुत शौक है रील्स बनाने का, बहुत ज्यादा। हम लोग जहाँ स्टार्ट होते ये भी रेडी होके अपना रील्स बनाने लगती है। मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? मैं और चुलबुल दोनों ने खाना खा लिया है। सब्जी अच्छी बनी थी और मैं रोटी बनाई थी, क्योंकि अभी पता नहीं आज थोड़ा थोड़ा ठंड वाली मौसम है, धूप हल्की हल्की है अभी छत पे और अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ, उसके बाद नीचे जाके थोड़ा सा आराम करूँगी। और अभी चुलबुल बोल रहे थे कि रील्स बनाने के लिए, लेकिन अभी उसका भी मन नहीं है। तो और थोड़ी देर में मेरी मम्मी भी आ जाएगी, देखिए रात हो जाएगा उसे आते आते। अगर जाम नहीं रहा तो बोली है कि 9 बजे तक आ जाएंगे, और अगर जाम रहा तो उसको आते आते 10:30, 11 बज जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ, सुबह से ही नीचे थी, अभी छत पे आई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का धूप है, थोड़ा सा वॉक करते हैं। इधर निकालो ना, अंदर है वो, क्या आएगा? क्या खाओगे तुम? पिज्जा। आपका कुछ नहीं है? मैं खाऊंगी मशरूम एक मशरूम पेटीज दे दीजिए। ये मिल गया है मेरा मशरूम पेटीज, अब मैं इसे एंजॉय करूंगी। और इसका ब्रेड पिज्जा में अभी टाइम लग रहा है, बस आने ही वाला है। लो तुम्हारा ब्रेड पिज्जा भी आ गया, चलो बैठ के यहीं खाओ। नहीं, तो हम, मेरे को और चुलबुल को घर पे मन नहीं लग रहा था, तो हम लोग आ गए हैं अभी मार्केट। और अभी मॉर्निंग से मैं खाई हूँ मशरूम पेटीज, और ये खाई है ब्रेड पिज्जा, और हम लोगों ने रेन बॉकेट केक को भी पैक करवा लिया है। अब हम लोग घूमते टहलते चले जाएंगे घर। कैसा लगा तुमको ब्रेड पिज्जा? मार्केट से आ गए हैं और मैं लेके आई हूँ मोमोज चिल्ली, और ये मोगनीस का रेड भोलवे केक। ये क्या हो गया? हाँ ये है, इसमें चेरी नहीं है लगता है, ऐसे नहीं दिया। ये रेड भोलवे केक और ये मोमोज चिल्ली, और चिल्ली वहां भी मोमोज खाई है और यहाँ भी वो चिल्ली में मेरे वाला में से खाओगी तुम भी।
तो हम लोग मोमोज और ये केक को एंजॉय करते हैं और मम्मी बस एक घंटा में आ जाएगी, तो चलो खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे हम लेवे नहीं किए थे तो फिर से कुछ भरा बन लगे। कैसा लग रहा है केक? यम। और ये मोमोज खा के देखती हूँ मैं, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। मोमोज भी अच्छा लग रहा है। हम खा के बताओ। बाप रे दम। अच्छा है ना? रेस्टोरेंट में भी तो ऐसे ही रहता है यार, इतना पैसा ले लेते हैं, उससे अच्छा तो यही है। बाप रे एक बार में मुंह में सब डाल ली। मोमोज भूखा रह गए। अब मैं भी जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, नहीं तो पता चला ये चट कर जाएगी। तो मेरी मम्मी आ गई है। तो मम्मी कैसा लगा आपको शादी? तो इतना सारा सामान लेके आई है, पता नहीं क्या 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 लेके आई है मम्मी। ये शादी का संदेश है। शादी का संदेश है, लड्डू है। मम्मी को रास्ते में गया मिल गई, गया मिल गई गया का तिलकुट लेके आई है। और ये क्या मम्मी? ये पापा का कपड़ा मिला है, ये बउआ का कपड़ा मिला है, ये मेरा साड़ी मिला है। अरे वाह, दिखाओ मम्मी कैसा साड़ी है। वाओ क्या प्रीति साड़ी है ये, इतना प्यारा लग रहा है। तो मतलब खूब इंजॉय की है। और हम आए और आप भागे हुए थे। अब मम्मी तो पूरा ग्लो कर रही है, ये पूरा भर के ट्रॉली लेके गई है। तो मम्मी आ गई है, आपके बिना घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। अब आप आ गए हैं तो फिर हम कल जाने वाले हैं, क्योंकि हमको काम है। और अभी मम्मी बहुत ज्यादा थकी हुई है, तो अभी मम्मी को रहने देते हैं, रेस्ट करेगी। मम्मी के लिए मैंने बनाया मशरूम मटर, मैंने दिन में ही बनाया था। अभी बस रोटी खाना है, चावल, तो बस रोटी बनाऊंगी, तो अभी रहने देते हैं, बहुत ज्यादा थकी हुई है। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा।